पूरे मुल्क में कई पार्टियों ने हड़ताल की कॉल दी है। बाएं बाजों की पार्टियां सारे मुल्क में हमगीर तहरीक चला रहे हैं। इस सवाल को लेकर क्या हालिया आयाम में महंगाई की सारी हदें पार हो गई है और आम आदमी का जीना हराम हो गया है। सरकार कुछ भी कहे, झूठ के अंबार फैलाए, बड़ी बड़ी बातें कहे, लेकिन हकीकत यही है कि आज किसान की जिंदगी, मजदूर की जिंदगी, मुलाजिम की जिंदगी, दुकानदार की जिंदगी, छोटे मुलाजिम की जिंदगी महाल बन चुकी है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आज तक हमारी नजर में मिसाल नहीं है हमारे सामने, और इसका नतीजा सिर्फ ये नहीं है कि पेट्रोल के दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ गए, जो रोजमर्रा जिंदगी के चीजें हैं उनके दाम बढ़ गए हैं इस वजह से। और अभी किसान ये मांग कर रहे थे कि हम डिस्ट्रेस में हैं, तबाह हाली के शिकार हैं, बदहाल हो चुके हैं हम, तो ज़राअत को बचाने के लिए, किसान को बचाने के लिए सरकार कुछ करे, लेकिन करने के बजाय पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतों में इजाफा करके आज हालत यह है, जो दो नवाले उनको मिल रहे थे या जो उनकी पैदावार थी बाजार तक पहुंचाना मुश्किल हो गया है। यह मसला आज सिर्फ जम्मू कश्मीर का है, जम्मू का नहीं, कश्मीर का नहीं, तमिलनाडु का है, केरला का है, बंगाल का है, हर शहरी का सवाल है ये कि हमें जीने का हक मिलना चाहिए। ये जो महंगाई ने, और आप लोग जो प्रेस के साथ वर्किंग जर्नलिस्ट ताल्लुक रखते हैं, आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि आप पर क्या बीत रही है। हाउ डिफिकल्ट इट इज फॉर यू, आपके लिए, आम शहरी के लिए रोजमर्रा जिंदगी का सामान खरीदना कितना मुश्किल हो चुका है।